उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक प्रवेश परीक्षा रविवार को महानगर के 44 केंद्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 20,362 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से कुल 7,058 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 65% यानी 13,254 परीक्षार्थियों ने किसी वजह से परीक्षा छोड़ दी। सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक की प्रवेश परीक्षा सुबह के 11:30 बजे से आरंभ होकर दोपहर के 1:30 बजे तक चला। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से इसमें 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट के अलावा 3 जोनल मजिस्ट्रेट व 44 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात रहे। परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न काफी सामान्य थे, लेकिन परीक्षा की समयावधि काफी कम रही, जिसके कारण उन्हें प्रश्नों का हल करने में काफी दिक्कत हुआ। वहीं गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नंद प्रसाद यादव ने कहा, रुचि सिंह पटेल। कौन सा एग्जाम था आज? असिस्टेंट टीचर का पेपर तो काफी सही तो सही थी, लेकिन मेरा जो एग्जाम था वो बहुत ज्यादा हार्ड था। ये एलडी ग्रेड एग्जाम था। पवित्रा प्रीति रावत। ये बताइए कि किस चीज का परीक्षा देना है? मैथ्स। ठीक है, परीक्षा रहा ठीक ही ठाक था, वैसे तो नॉर्मल। टॉपिक्स तो वही थे, लिमिट्स वगैरह ज्यादातर, और ज्यादातर वही पूछे गए थे, लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्री था। ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उसमें? प्रश्न अगर टाइम होता तो हो जाता है, सब लेंथी था पूरा पेपर। और जीके भी बहुत याद की हुई थी, करंट में से तो कुछ भी नहीं पूछा गया, वो भी पता नहीं कहाँ। 30 क्वेश्चन तो थे जीके के और बाकी 120 में। नाम क्या है आपका? माय नेम इज आचल गुप्ता। कैसा पेपर यहाँ देने आया? पेपर इजी था, अगर किसी ने प्रिपरेशन की हो तो। टाइमिंग कम थी, मतलब क्वेश्चंस लेंथी थे, सॉल्व करने में टाइमिंग था, लेकिन पेपर इजी था अगर प्रिपरेशन हो। किस तरह के प्रश्न ज्यादातर पूछे गए थे, कितना हार्ड लगा आपको? मैथ्स में मैंने जीएस के तो इन्होंने जो फसल क्रॉप से रिलेटेड पूछी है इन्होंने, और मैथ्स में इलिप्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज्यादा क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, और डिफरेंशियल से आईएम में मोस्टली क्वेश्चंस। एलटी की परीक्षा थी अध्यापकों की, 480 परीक्षार्थी थे, 225 प्रेजेंट थे, 255 एब्सेंट थे। कुछ विद्यार्थियों की एक शिकायत है, परीक्षार्थियों की शिकायत है कि यहाँ पे घड़ी ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। वो तो आयोग से ही रोक रहा होगा, तो नहीं व्यवस्था थी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकते।